और चलिए आप खबरों पर रुख विस्तार से करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हुआ है। निधन की खबर सामने आ रही है। घर पर ही दिल का दौरा पड़ा था। सुबह 10:30 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। गोविंद मालू निज निवास से मुक्ति धाम तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे गोविंद मालू और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनके निधन की खबर है। बड़ी ही बेबाकी से वो पार्टी के पक्ष की बात रखा करते थे और कई बार हमारे साथ भी जुड़े और उन्होंने हर मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखने का काम किया, लेकिन गोविंद मालू के निधन की खबर है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गोविंद मालू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जी हां, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा है कि खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता श्री गोविंद मालू के आकस्मिक निधन का दुखद और हृदय विदारक समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और उन्होंने ये संवेदनाएं व्यक्त की हैं और ये एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। गोविंद मालू के निधन की खबर सामने आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष इंदौर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे ये घटना हुई और हार्ट अटैक बताया जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ? चलिए एक बार फिर से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि सुबह 10:30 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। निजी निवास से मुक्ति धाम तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का ट्वीट भी आप देख रहे थे।